आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। आठ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिख दी है। जी हां, इस चिट्ठी में उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। साथ ही आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को ताजा उदाहरण बताया। बता दें, चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, चिट्ठी पर जिन आठ नेताओं के नाम हैं उनमें के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ अखिलेश यादव के नाम। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ लगातार हो रहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग ये बात बता रहा है कि देश में एक निरंकुश तंत्र की स्थापना हो गई। 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार है, ये एक सियासी साजिश लग रही है। उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में लोग खफा हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूल में सुधार लाने के लिए अपनी पहचान बना रहे थे। उनकी गिरफ्तारी का दुनिया में एक गलत मतलब जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरी चिट्ठी 8 से 9 नेताओं के नाम के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या अब प्रधानमंत्री मोदी इस चिट्ठी के बाद कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स देखते रहिए पंजाब केसरी।